माना 330 रुपए का घ्यो हो गया कल लै के आया मेरी मां मैं आँदी पुत्र दे इमरान खान को वोट होर मैं की करा मैं तो घर जावा मैं तो कला इमरान खान का वोटर स मैं तो घर जावा मैं पता मेरे जो जो मेरी हालात होंगे ने घर बढ़ते हैं है पुत्र आ फलानी शह आई है इन्ने की मैं कहना ठीक है कि अज का रेट होड़े कल का रेट होड़े मैं यही तो पूछना चाहना खान साहब तुम्हें वोट दिता है कोई गलती तो नहीं कर बैठे ये भी थोड़ी हिमायत करने हैं पर इन्ना ना करो थोड़ी मेहरबानी के घर बयान देंदा बयान तो मैं ना ये नाल पूरी दुनिया तो कोई नहीं दे सकता जिन जो जी खान साहब तकरीर करते हैं बंदे की जान कढ लेंगे जुतियां मारन प्यो प्यो जिवें नवाज शरीफ दा जिवें नवाज शरीफ दा नहीं वोटां आउंदे ने वोट नवाज शरीफ का मैं जगह ही बहा दियो मैनू तो मैं भी यही सुनना वा अज उस्मान बुजदार ने फलाना रिबन कटे है अज खान साहब ने फलाने और जो दरखत लाए लो जी दरखत लाए साड़ी हुकूमत ने बिल्ला ने धुनी पहाड़ छड़ी पहाड़ बिल्ला ने धुनी पहाड़ छड़ी है ऐसा बेड़ा गड़क किया बिल्ला ने वो भाजी इन्हों की जेबा च वंडे गए ने पैसे मैं ना वो तकरीर जिथे को लगे ना 2 मिनट का भावें बयान स्पैशल कदी तो इतने ही सुन लेंगे गल सुन लेंगे क्यों वो ही सिर्फ गल ही तो सुनना हम वेखो ना मकान ही दे रहे ना पैसे 50 लाख रुपया 40 लाख रुपया वो मैं दसो माड़ा बंदा 50 लाख कितों लवेगा तो कोई जगह हैगी तो 50 लाख ले तो जो 50 लाख लैना तो उन्होंने कोई 100 फेड़ा मरवा देना बेचारे ने पता कहना और यार रह नहीं दौ मैं जी चंगा उसे जो जाते हैं हार्ट एंड डांक उन्होंने भी वेखिया आते हैं मेरा तो ना ही कौन नहीं पनामा च हाँ तुम हाजी साहब थोड़े ना की दरबार से चादर चढ़दिया ने गल करी साढ़े खान साहब भी उही कर रहे हैं नहीं चला तो कमना भी जलील होने अजे तक तो चलो फिर भी मैं तुम्हें आना ना कि कोई बंदा नहीं मर रहा कुछ भी नहीं चल रहा निजाम अल्लाह पाक चला रहा लेकिन अजे 2 साल होर उत्ते टुट गया ना फिर अल्लाह के हुक्म ना सुटन गए वो 5-7 बंदे सुटन गए नहरे होर मैं ना कन्फर्म सुटन गए कुछ पर मैनू ना मारनी पाइए किसी का की कह मैं आज तक टैक्सेस जो हैं वो दुगने तिगने हो गए हैं हर चीज़ जो है उसके ऊपर टैक्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीज़ें चल रही हैं जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है वो जा कहाँ पे रहा है यही तो हमें यही तो हमें नहीं समझ आ रही अभी तक इमरान खान की खान साहब इन्ना पैसा कितने ले जाते पे हो यही हूँ मैं दसा लगा ना वेखो गल होनी चाहिए जी सीधी हूँ पंजाबी तुम दसना हूँ नैब ने अरबा रुपया नैब का एफ आई ए का जो मर्जी तुम वेलो उन्हें कहना मैं 500 फड़ लिया 500 करोड़ ठीक है इन्ने अरब ले लेने कितने टुट गए ने अरब अरब ही सुनने पे हैं ठीक है अरब ही पे सुनने उदों के हूँ जहाँ एक डायलॉग बड़ा इन्हों मशहूर है घूमत का चोड़ खा के डाकू लै गए मैं ना जो लै गए ने तो पिछला लै गए ने तो तुम अगों की कर रहे हो पुत्र दे इमरान खान वोट होर मैं की करा मैं घर जावा मैं कला इमरान खान का वोटर स मैं तो घर जावा मैं पता मेरे जो मेरी हालात होंगे ने घर बढ़ते हैं है पुत्र आ फलानी शह आई है इन्ने की मैं कहना ठीक है कि अज का रेट होड़े कल का रेट होड़े मैं यही तो पूछना चाहना खान साहब तुम्हें वोट दिता है कोई गलती तो नहीं कर बैठे ये भी थोड़ी हिमायत करने हैं पर इन्ना ना करो थोड़ी मेहरबानी के घर के कह वो दरवाजा से बहर होवो ₹10 लाख ਸਾਤ ਤੋਂ 5 ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
मकान ली दे रहे हैं पैसे 50 लाख रुपया 40 लाख रुपया दसो माड़ा बंदा 50 लाख कितों लवेगा तो जगह है तो 50 लाख लेगा तो जो 50 लाख लेना तो उन्होंने 100 फेड़ा मरवा देना बेचारे ने पता कहना यार रह नहीं दो मैं इंजी चंगा वा उठो बेचारे जलील ही रज के घर छड़ना उन्हें फिर घर ही लेना हूँ ये फिल्म वाला हिसाब तो नहीं उन्हें रज के जलील किया तो मैं मासा ना फील किया इतने फील हो जाता जी इतने फील हो जाता भाजी बहुत फील हों मैं ना जो घर वरने उदो सू पुछया करो साढ़े दिल से छुड़ियाँ जी चल चल दें क्यों बहर न छो जो घरों ही जुतियां पैदा ने तो बहरों हाँ की करना वो एक ही गल आते हैं दौ वोट इमरान खान तुहानू केड़ा आंदा सी उन्होंने दे तो दिता पर हाँ तो दिता ही चंगे लिए एक आंदा पे ये काम पे करता अपने फायदे दे ठीक है भाजी अपने तो मुराद के जिन्ना लिया उ काम लै रहे ने फॉर एग्जाम्पल जो हूँ सूबा बनवा लिया गिलगित बल्तिस्तान का जोड़ा इन्ना को काम से जो नून लीग नहीं करते वो चलो इन्हें ठीक किया समझ आया कि यार अपने पाकिस्तान लीग किया बयान देंदा बयान तो मैं ना नाल दा पूरी दुनिया तो कोई नहीं दे सकता जे जे हो जी खान साहब तकरीर करते हैं बंदे की जान कढ लैंदे तकरीर सिर्फ सुनने उस कदम नहीं को लिया जाता हूं वेखो जिवें फड़िया नवाज शरीफ नूं को है भी सारा कुछ लेकिन मैं एडे एक्सपर्ट ने खादा भी डकार भी मारे उन्होंने पता भी नहीं लगा अगों फिर नहीं लभ रहे जो साग डार साहब ने वो भी उत्थे बैठे ने अल्लाह दे हुक्म ना उत्थे जो जाते हैं हार्ड एंड डाक विच उन्होंने भी वेख्या आते ने मेरा तो ना ही कोनी पनामा च हाँ तुसी हाजी साहब तुहाडे नाँ दी दरबार ते चादर चढ़दियां ने गल करन वाली साडे खान साहब भी उही कर रहे ने नहीं तो अल्लाह दे हुक्म नाल भी जलील होणगे भाजी वो प्रोजेक्ट जिथे लग रहा मैं वो जगह ही बहा दो मैनू तो मैं भी यही सुनना वा अज उस्मान बुजदार ने फलाना रिबन कटिया अज खान साहब ने फलाने और जो दरखत लाए लो जी दरखत लाए साड़ी हुकूमत ने किन्ने करो किन्ने लाख दरखत लाए एक अरब लग गया 10 अरब लाना के एक अरब मैं ना एक अरब ना हो गया कुछ की गल कर अरब ना एवं तो ना अरब लग गया पाकिस्तान ना गुजरा कुछ चंद कुछ दरखत लगे ने रखवाली ली अल्लाह के फजल ना कौन नहीं उंज थले डिग पैने फिर जाके डीसी ने घरे एसी ने कहा खुदा का खौफ खाओ होइए तो उन्हें चेक करने जे आगे मैं ना आम साड़ी भाजी ना किसी ने ध्यान देना हर बंदा पैसे का भुखा भावे हलाल है भावे आराम है पैसा आना चाहिए साड़ी आवाम है आँदी पैसा आए साढ़े को लवे ना खान साहब जो दावा कर दें कि गरीब आवाम उत्ते लै जाए खान साहब ने कहा ना ना दावा उन्हें पता की किया उन्हें कहा गरीब रहन नहीं देंगे तो गल सही है ना कही गरीब मर जाएंगे रहन नहीं देना गरीब आ और 2 साल कटे ना जे इंज उत्ते जाते रहे तो हजे तक तो ठीक है ही भी जड़ने पे हैं तो जे होर को 2 साल उत्ते टुर गए ना तो खान साहब ने अपनी गल पूरी करनी है गरीब नहीं मैं रहन देंगा मुल्क मैं ना पूरी 100% तक करे हजे तक तो चलो फिर भी मैं तुम्हें आना ना कही कोई बंदा नहीं मर रहा कुछ भी नहीं चल रहे निजाम अल्लाह पाक चला रहे लेकिन अजे 2 साल होर उत्ते टुर गए ना फिर अल्लाह के हुक्म ना सुटन गए को 5-7 बंदे सुटन गए नहरे होर मैं ना कन्फर्म सुटन गए कुछ पर मैनू ना मारनी पाइए किसी का की कह मैं जुतियां मारन प्यो प्यो जिवें नवाज शरीफ दा जिवें नवाज शरीफ दा नहीं वोट आंदे ने वोट नवाज शरीफ का मैं ना इन्ना वोट नवाज शरीफ नहीं जिन्ना इस टाइम इमरान खान का होना वध रहे ने हूँ मैं तुम अपने कस्बे की गल करना साढ़े कस्बे वजह तुम दसन लगा ना तुम वजह की वजह क्यों आवाम वध रही है हूँ साढ़े गाँव में टोटल नून लीग अज तक नहीं नून लीग हरी उतों एर की इंज इंज होया नून पीटीआई एन ए 75 के इलेक्शन ठीक है बहुत इलेक्शन बने आ रहे हैं इस तरह फाइटा भी हुई ने साढ़े गाँव खुद च हुई ने ठीक है वोट की निस्बत देखी नून लीग का वोट घटिया क्यों इमरान खान साहब जो एक तकरीर करते हैं ना तो एवं कोई लाख बंदा अपनी जान कट लेंगे खान साहब ने क्या तकरीर की थी? खान साहब तकरीर का असर मैं ना सारा तकरीर का असर और कोई असर नहीं कमां का ना पुछो खान साहब का किन्ना को असर है कम पास इंजी ने खान साहब ने अपने ही बंद इस टाइम समझ लो पूरे कर रहे हैं अच्छा हूँ टेंशन है वे नैब न मैं ये नहीं समझ आती नैब आंदा इन्ना रुपया मैं जमा किया यार वो कि खजाने टुर गया
ਇਹ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਣ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਧੁੰਨੀ ਪਾੜ ਛੜੀ ਭਾਗ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਧੁੰਨੀ ਪਾੜ ਛੜੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਧਰੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਮਰ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਗਿਆ अगर तीन साल के अंदर एक रुपया करप्शन की हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सियासत छोड़ ओ भाई है तो इना दा आम गल है कसमा ला इलाहा इना नु सच केड़ा बोलदा है यार ब्रदर ओ मैं ना कोई भी नहीं सच बोलदा अल्लाह दे हुक्म ने ना झूठ दी डिग्रियां लई आने भाई इना नु कोई ख्याल नहीं इना नु सिर्फ सियासत दा ख्याल है सियासत ना ही झूठ है भाई सियासत ना ही झूठ सियासत है झूठ है उस्मान डार साहब ने कहने कदी ओ जी गल ने ते ऑलमोस्ट सच हुंदा ਉਹ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਓ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਓ ਭਾਈ ਸਾਬਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾੜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਵੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਰਾਤ ਬਾੜੂ ਨੈਡੂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲੱਗੇ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਐਲਸੀਡੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾਲੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਹਾਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤੁਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਘਾਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਐਲਸੀਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਭੜਿਆ ਲਾਏ ਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਦ ਲਈ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਲਓ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੌਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭਨਾ ਭੈੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਲਿਆਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲਿਆਦਾ ਚਾਚੂ ਕੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਲਿਆਦਾ ਹੋੜ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵੋਟ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋੜ ਦਿਓ ਵੋਟ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ